नंदीटों का परिचय अभी उन्होंने दिया। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के पिंडर घाटी से। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं क्रिकेट मैच में, और आज है क्रिकेट मैच का फाइनल और ये खेला जा रहा है ठीक असीर सिमली में, खास तौर पे सिमली पार्टी के अंदर ये मैच हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं खूबसूरत पहाड़ों के क्रिकेट मैच को। जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप पिच के विषय में क्या जानकारी है कि ये पिच बैट्समैन के लिए या बॉलिंग पिच के रूप में जानी जाती है। जैसे कि दोनों सेमीफाइनल में देखा गया कि गेंदबाजी को काफी मदद मिल रही है इस पिच में, वैसे भी आज मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी को ही ज्यादा मदद मिलेगी। यदि आपकी टीम पहले यदि टॉस जीती है तो आप क्या चयन करोगे? वैसे ये निर्णय कप्तान का होता है, लेकिन मैं कप्तान को एक सीनियर प्लेयर होने के नाते यही सुझाव देना चाहूंगा कि पहले बल्लेबाजी करें। लगभग 20 सालों से चलता हुआ एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, और मैं बात करूंगा आज के मैच की, तो आज फाइनल मैच है जो कि ग्राम सिमली वर्सेस ग्राम असेड़ के बीच खेला जाएगा। और आपके कहे द्वारा यदि आप पूछ रहे हैं कि पिच का मिजाज, अभी तक जो देखा गया तो गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि थोड़ा सा पिच में ऊपर की परत हट चुकी है और बॉल को यदि आप पटकते हैं तो बॉल बिल्कुल ज़मीन को छूती हुई निकल रही है, तो बैट्समैन वहां पे बीट हो जा रहा है, तो गेंदबाजी के लिए यहां पर ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो टीम है यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाह रही है। दीपक पटोला और जो 15 टीम की सदस्य, आपको टॉस जीतने में बहुत बहुत बधाई। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या चूज किया इसमें? मैं बैट फर्स्ट किया क्योंकि हमारी जो बैटिंग लाइन है वो काफी अच्छी है और बॉलिंग तो हमारी उससे भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम चेज हमसे कम होता है तो इसलिए हम बैट फर्स्ट करेंगे। चलो आपके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं। तो ये भाई हमारे बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन असीड की टीम से जाते हुए, तो नीतीश और अनिल पहाड़ी इस समय बैटिंग करने के लिए ओपनिंग बैट्समैन के रूप में असीड टीम की तरफ से जा रहे हैं। अनिल पहली गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो फाइनल की पहली गेंद। और सभी दर्शकों से अनुरोध किया, बाउंड्री बाहर रहे, क्या है देखते हैं क्या करते हैं। एक स्लिप के साथ है, अच्छी गेंद, इसको उठा के मारना चाहते थे, चूके और शानदार गेंद, बीट में बल्लेबाज और गेंद विकेट कीपर के स्थानों में चले, फिर से अंपायर से बॉल बटोले को पार किया और ये जो जोरदार अपील, पहला छटका लगता हुआ ऐसे टीम को, पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ रन के, तो 0 रन पे पहला विकेट, शानदार शुरुआत वीएमसी सिंगली की, शानदार शुरुआत वीएमसी सिंगली की, 0 रन पे पहला विकेट। मुकेश अब बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं, मुकेश स्थान लेंगे अब अनिल का, अब मुकेश कहां तक अपनी टीम की नई अपार लगा पाते हैं। सभी दर्शकगणों से अनुरोध की वो बाउंड्री लाइन बाहर रहे, चले चौधरी फिर से तैयार, सामने बल्लेबाज मुकेश, पहली बार सामना करेंगे, अच्छी गेंद प्लेस किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लगातार एक मैच में उन्होंने 42 लंबी लंबी हिटें मारी थी, अच्छी गेंद नीचे रही, बैट्समैन भी बीट हुए, विकेट कीपर के पैड पे लगी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दिग्विजय दीपक बुडोला काफी युवा इस टीम में, मिथिलेश सतीश जिन्होंने लगा कल शानदार गेंदबाजी, 6 विकेट। चले और इस गेंद को प्लेस कर लिया, हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद से प्लेस करा, ऑफ साइड में जब तक गेंद फील होती तब तक एक रन, तो अपना खाता खोला मुकेश ने इस एक रन के साथ और टीम का स्कोर
एक ओवर की पहला रन दूसरी के साथ खाता खुला से टीम का, तो एक रन एक ओवर एक विकेट है, एक ओवर एक रन और एक विकेट भूपेन्द्र चौधरी द्वारा। कॉन्फिडेंट से सामने बल्लेबाज इस गेंद को मारना चाहते थे ऑन साइड में, जब तक गेंद फील्ड होती कोई रन नहीं। मुकेश अच्छी गेंद प्लेस किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, सदी भी गेंदबाजी अब तक चले धीरे धीरे कदमों से अंपायर चौधरी को पार गया। अच्छी गेंद है उछाल लेती हुई गेंद समझ नहीं पाए, गेंद भी आती है चले गेंदबाज पवन मुकेश आउट हो गई भाई यहाँ पर बैट्समैन, कहीं पर निशान आ रहा है कि चमकी रहा था सिस्टम को ओला दिया पवन ने, तो लगातार दूसरा झटका लगता हुआ असे टीम को, एक रन पे दो विकेट, शानदार शुरुआत वाइंसी सिमली की, पहले भूपेन चौधरी फिर पवन रावत है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं सिमली टीम का। सेकंड डाउन पे जा रहे हैं असे टीम के बैट्समैन, दूसरे ओवर में दूसरा विकेट है मनोज, शानदार बैकबोन का आप कह सकते हैं असे टीम की, बल्लेबाजी के साथ साथ शानदार गेंदबाजी भी रहती है उनकी। चले गेंदबाज पवन सामना करेंगे मनोज, अच्छी गेंद प्लेस किया कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति और मैडन विकेट ओवर रहा है पवन का, तीसरा ओवर प्रगति पर है। नितेश सामना करेंगे भूपेंद्र का, चले अंपायर जयपाल पटोला को पार किया, अच्छी गेंद बीट हुए बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर थलमैन और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर वाइट के रूप में चार रन, चार रन कीपर विकेट कीपर के बीच में से। चले भूपेंद्र अच्छी गेंद से प्लेस कर दिया, अच्छी फील्डिंग वहां पे सुनील सती की, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, तो एक पार्टनरशिप की जरूरत है टीम को क्योंकि शानदार शुरुआत करी है वाईएमसी सिमली ने। चले भूपेंद्र खराब गेंद दिशाहीन गेंद अंपायर का सारा वाइट का, चले भूपेंद्र चौधरी सामने बल्लेबाज नितेश है, अच्छी गेंद से प्लेस कर दिया ऑफ साइड में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, शानदार गेंदबाजी वाईएमसी सिमली द्वारा एक शानदार शुरुआत। तो कल के मुकाबले आज तीन चेंज के साथ उतरी है वाईएमसी सिमली और इस गेंद को उठा के खेल जाने से फील्डर आता है विकेट कीपर का काफी लंबी दौड़ है लेकिन गेंद पूरा पिंगल काफी देर हवा में रही गेंद कैच छूट गया भाई यहां पे भौगोलिक परिस्थिति के कारण कोई फील्डर पहुंच नहीं पाया वहां पे। एक रन, तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। भूपेन चौधरी शानदार गेंदबाजी अब तक, चले सामने मनोज खराब गेंद से ऊपर प्लेस कर दिया ऑफ साइड में, फायदा नहीं उठा पाए जब तक गेंद फील्ड होती तब तक। एक रन, इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 8 रन और इस गेंद को उठा के खेल दिया ऑफ साइड में जब तक गेंद फील्ड होती तब तक। एक रन, इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 9 रन। तीसरे ओवर की समाप्ति और आगे का आंखों पर का हाल हमारे विपक्षी टीम के समक्ष एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत, काफी अच्छी अभी तक फिलहाल गेंदबाजी होती हुई दूसरी सफलता अपने दूसरे ओवर में पवन ने अर्जित की और अपने ओवर की अगली गेंद इस बार उछाल लेते हुए गेंद हल्के हाथों से खेला अनियमित उछाल पिच के ऊपर काफी अच्छी गेंदबाजी पवन अपने ओवर की अगली गेंद इस बार उठा के खेलना चाहते थे बल्ले का किनारे लेते हुए थर्डमैन की दिशा में गेंद लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे शान पे। चौथा ओवर प्रगति पे और इस बार अच्छी गेंद फिर पवन दूर केवल पूर्व छोर से अंपायर चौधरी को पार करते हुए इस बार थोड़ी सी लगे स्टंप से पार गेंद वाइड का सारा और बाय के रूप में भी एक रन। 11 रन चौथा ओवर और पवन 3 विकेट के नुकसान पर असीड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए छोटा सा रन काफी खराब शुरुआत असीड की टीम के द्वारा सामना करेंगे मनोज।
पवन की गेंदबाजी का दूर केवल पुरथोर से गेंदबाजी करते हुए अंपायर चौथे को पार करते हुए गेंद उछाल लेते हुए गेंद हल्के हाथों से खेला था गेंद को कोई रन नहीं गेंद वापस गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज अपने बॉलिंग रनअप की तरफ तो ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ दशम त्रिनेत्री टी ट्वेंटी प्रतियोगिता का इसी बीच अच्छी गेंद और इस बार फिर थर्डमैन की दिशा में और ठीक फील्डिंग वहां पे थर्डमैन से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज ने मनोज देवराड़ी गेंदबाजी करेंगे कॉमेडी छोर से और सामना करेंगे प्रदीप बुटोला काफी रन लंबा रन अप गेंदबाज के 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे पांचवा ओवर ये प्रगति पे मनोज देवराड़ी और इस बार एक अतिरिक्त रन गली की दिशा में गेंद को खेला था जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते एक रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के पूरे किए इसे और बैट्समैन से अनुरोध है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और गोलू ये गौरव हेलमेट मैदान तक पहुंचाने की कोशिश करें हेलमेट मंगाया जा रहा है क्योंकि यहां पे बाउंस ज्यादा हो रही है और खतरा भी बन सकता है तो बैट्समैन कोई खतरा देना नहीं चाहते हैं तो इसमें बैट्समैन ने यहाँ पे हेलमेट मंगवाया है गेंदबाजी फिलहाल वाईएमसी सिमले की तरफ से पांचवें ओवर में काफी उछाल तो दोनों और अब तैयार मनोज सामना करेंगे मनोज देवराड़ की गेंद का और इस बार हवा में गेंद फील्डर गेंद के नीचे और अच्छा प्रयास वहां पे गेंद छूट गया भाई वहां पे फिर से सही कैरी नहीं कर पाया गेंद बन सकता था और जब तक फील्ड करते थ्रो करते एक रन मनोज देवराड़ी इस बार प्रदीप उठा के मारना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं करा पाए गेंद और बल्ले का शॉर्ट लेग से की तरफ गेंद इस बार अच्छी गेंद अच्छा सामान स्लिप पॉइंट के स्लिप में फिलहाल मनोज देवराड़ के द्वारा अपने ओवर की अगली गेंद इस बार हवा में काफी ऊपर गेंद विकेट पर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच तो चौथा विकेट का भी पतन 13 के युग पे काफी अच्छी गेंद मनोज देवराड़ की लगातार सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका ही नहीं और इस बार हाथ खोलने की कोशिश काफी ऊपर हवा में गेंद और विकेट कीपर के द्वारा तो बिपिन इस समय नए बैट्समैन के रूप में असिड टीम की तरफ से आए हैं पारी का पांचवा ओवर अपना पहला ओवर कमेंट्री छोर से गेंदबाजी करेंगे मनोज देवराड़ सामना करेंगे बिपिन काफी लंबा रन अप गेंदबाज का अंपायर बुटोला को पार करते हुए और इस बार लगे सबसे बाहर वाइड का इशारा और स्कोर सरकता हुआ 14 रन 4 विकेट के नुकसान पे पांचवा ओवर ये प्रगति पे काफी अच्छी शुरुआत वाईएमसी सिमले की फिलहाल मनोज अपने ओवर के अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद तो पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन 4 विकेट के नुकसान पे छठवें ओवर की शुरुआत सिमली टीम की तरफ से और अभी भी असेड की तरफ से कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है जिसे निमंत्रित करूंगा कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करें इस बीच ये गेंद पुणे सती डिजाइन गेंद और विषम से काफी बाहर और वाइड और बाई तो दो अतिरिक्त सभी सदस्य इस बीच बोनस अपने ओवर के अगली गेंद और इस बार बल प्याज तैयार नहीं देखे विपिन ने यहाँ पे भाई बॉलर के एक्शन को लेकर थोड़ा सा दुविधा है तो चेक करा रहे हैं यहाँ पे बैट्समैन इस समय और काफी अच्छी
गेंदबाजी पिछले मैच में मिथिलेश के द्वारा, जिसका पूरा डर यहाँ पे बल्लेबाज के दिलो दिमाग में कल फिर तैयार दूर केवल पूर सकते मिथिलेश। और इस बार अच्छी गेंद बैठ में अपील वहां पे लगे सब लगभग गेंद नकार अंपायर चौधरी ने आदित्य सत्कार करें इस बीच। और इस बार फिर उठाकर खेलना चाहते थे क्योंकि बल्लेबाज उछाल लेते हुए गेंद सीधा विकेट पर के दस्तान में काफी अच्छी गेंद इस बार सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए। और इसी बीच वीर भाई से भी अनुरोध है कि अपने बल्लों को जरा बाउंड्री के बाहर ही रखें। मिथिलेश और एक बार फिर एक अपील वहां पे नकारा अंपायर ने और पारी का छठवां ओवर अंपायर चौधरी को पार करते हुए। और इस बार बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद जा रही है और मिसफील्ड वहां पे हल्की सी निरसती के द्वारा। और जब तक तुमर के कनाव से थ्रो करते दो रन दौड़ के पूरे किए सिमली के। और अब एक बार फिर मिथिलेश अपने ओवर के क्लिक किए और इस बार फिर उठा के खेलना चाहते थे एक अपील वहां पे उत्साह ज्यादा विश्वास कम नकारा अंपायर बुटोले ने। जय हो भाई जी और बढ़िया मनोज सब बढ़िया दुआ है आपकी सब बढ़िया। आउट शानदार कैच और बहुत लेट ने पांच विकेट का पतन होता हुआ अशोक टीम का तो ड्रॉप नहीं लिया यार बिल्कुल कमर सी टूट गई है कैमरा ज्यादा हो जाने जी। शानदार गेंदबाजी देखा गया अब तक 18 रन पे 5 विकेट आधी टीम पवेलियन में शानदार गेंदबाजी वाईएमसी सिमली की बैट्समैन ने मनोज सेकंड है तो मनोज का ही गेम चल रहा है। पहले मनोज ने मनोज का आउट किया अब दूसरे मनोज मैदान में आते हुए सामने करेंगे मनोज देवाड़ी का चले धीरे धीरे संपर्क को पार किया अच्छी गेंद बीट हुए बैट और बैट के बीच में जो जगह थी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में शानदार गेंदबाजी मनोज देवाड़ी की और अपने ही नाम राशि को फिर से बीट किया तो एक प्रकार से मनोज 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 लगातार मनोज का गेंद चलता हुआ चलते मनोज अच्छी गेंद फिर से बीट हुआ बल्लेबाज विकेट कीपर भी बीट और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ भौगोलिक परिस्थिति के कारण गेंद बाउंड्री के अंदर ही रुकी जब तक गेंद रुकती तब तक बाई का एक और अतिरिक्त रन इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 19 रन है। 5 बहुमूल्य विकेट खो चुकी है ऐसी टीम। चले गेंदबाज मनोज अब सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज विपिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और अच्छी गेंद उछाल लेते हुए इसको प्लेस कर लिया फाइनल की दिशा में और गेंद जब तक बाउंड्री लाइन बाहर 4 रन पहली बाउंड्री में असिड टीम की तरफ जाती हुई चौका पहली बाउंड्री काफी लेट आती इस चौके के साथ स्कोर सातवें ओवर में काफी देर बाद एक बाउंड्री देखने को मिली विभिन्न बाएं हाथ के बल्लेबाज सही फैसला इस्तेमाल किया इस गेंद का हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेन चले वाइट गेंद ऑफ के बाहर और बाहर की ओर जाती है व्हाइट का इशारा अंपायर जयपाल मोटोला का बहुमूल्य विकेट भी ले चुके हैं इस ओवर में अच्छी गेंद बीट हुए बल्लेबाज शानदार गेंदबाजी मनोज देवाड़ी द्वारा वापसी उस बाउंड्री के बाद
और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति पे टीम असेड का स्कोर 8। अच्छी गेंद यार करके आना, बीच में हल्की सी अपील, जोश में ज्यादा विश्वास में कम न कर अंपायर, अनुभवी अंपायर हरभजन चौधरी ने। शानदार खेल अब तक वाईएमसी सिमली द्वारा, पूरे जोश खरोश से भरी हुई टीम, और कल एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला जिसमें 59 रन बनाए थे वाईएमसी सिमली ने और 7 रन बना रहे थे। हल्की सी अपील फिर से, इसी बारी काफी मित्रेश की गेंद, श्री महिषानंद सती जी तो ढेर सारा स्वागत करती है योग कमेटी उनका। चले मिथिलेश सामने बल्लेबाज मनोज, अच्छी गेंद पुश किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, तो घातक गेंदबाजी अब तक वाईएमसी सिमली का की। मिथिलेश माननीय अध्यक्ष हरीश राव जी से अनुरोध करूंगा, इसमें सच अगली गेंद भी उछाल लेती हुई गेंद, रन आउट का खतरा कोई नुकसान नहीं। हमारे दादाजी श्री महिषानंद सती जी का बैज अलंकरण करें, देवेंद्र बुटला जी से अनुरोध है कि उनका माल्यार्पण करें। चले मिथिलेश अच्छी गेंद, लपेटा मारना चाहते थे, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशान है, और गेंद विकेट कीपर के पास। अध्यक्ष साहब माननीय हरीश राव जी से अनुरोध कि वहां यार बैज अलंकरण करें उनका। मिथिलेश शानदार गेंदबाजी उनकी, कल 6 विकेट लिए उन्होंने, गौरव नरवाल उनसे अनुरोध है कि वो बाउंड्री लाइन बाहर से जाए, अगर जा रहे तो तेज जाए। चले मिथिलेश और इस गेंद को आगे खेल दिया, ऑन साइड में गेंद, 2 टिल्टर 3 टिल्टर 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। दीपक जी से अनुरोध है कि अगर वहां तक चलेगा तो गेंद भी उठा के फेंकते हैं के साथ। तो शानदार बल्लेबाजी अब तक 29 रन इस समय असली टीम के बैट्समैन। चलो गेंद उठा के खेल लिया, लॉन्ग आउट की तरफ, जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 1 रन इस पारी का। इसके बाद चले चौधरी, खराब गेंद, वाइड लेग स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा अंपायर जयपाल बुटोला का, इसे 31 रन के साथ टीम का स्कोर है 31 रन। 5 खिलाड़ी के आउट होने पर 9वां ओवर प्रगति पर है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप भी मैच देखना चाहते हैं तो हमारे मीडिया प्रभारी राहुल नेगी के फेसबुक लाइव पेज पे आप देख सकते हैं। इसमें अच्छी गेंद प्लेस करा, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। बाउंड्री की तरफ, जैसा गेंद दो फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए, गंगाधर काला जी और आशीष चौधरी, और दोनों में से कौन पहले पकड़ेगा, और काला जी ने गेंद को फेंक दिया बैकअप के लिए बाहर, विकेट कीपर के पीछे कोई नहीं और गेंद तीर ऊपर जाने से 4 रन बचाई हमारे। महाशक्तिशाली ढाबा, आप बॉयल अंडे का आनंद ले सकते हैं, और गेंद को प्लेस कर दिया ऑफ साइड में, भात हुए कनाव पे, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। उछाल लेती हुई गेंद बीट हुए बल्लेबाज, तो आप महाशक्तिशाली ढाबा जीतपाल ढाबा भी कहा जा रहा है उनको, जिसके ओनर हैं जितेंद्र जीतू। और अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 34 रन। अब ड्रिंक ट्रॉली जाती हुई मैदान, 5 विकेट के नुकसान पर, और आगे का आंखों बेकाल अशोक बुटोला जी।
नए विकेट कीपर कीपिंग करेंगे साथी भी मैदान से दूर केवल पुरुषों से गेंदबाजी करेंगे सामना करेंगे विपिन बल्लेबाज को थोड़ी सी वहां पर कुछ दिक्कत उसको दूर करते अब फिर तैयार विपिन केवल पुरुषों से अच्छी गेंद पहली गेंद हल्के हाथों से खेला था गेंद को सुनील सती अपने ओवर की अगली गेंद के दूर केवल पुरुषों से गेंदबाजी करते हुए और फार अंदर आ दी गेंद कपिल अगर लग बिफोर द विकेट यहां पे विपिन समझ ही नहीं पाए गेंद को सीधा स्टंप के सामने पाएंगे और अच्छा निर्णय अंपायर चौधरी का तो ये छठवां विकेट जो एक साझेदारी बनती हुई दोनों बल्लेबाजों को उसको तोड़ा इसलिए अनुभवी गेंदबाज सुनील सती को टीम कैप्टन सिमली ने लगाया और छठवां विकेट का पतन मात्र 34 के योग पे मोहित सामना करेंगे सुनील सती की गेंदबाजी का जो कि एक सफलता भी अर्जित कर चुके हैं अपने इस पहले ओवर में एक बार फिर तैयार दूर केवल पुरुषों से सुनील सती अंपायर चौधरी को पार करते हुए लोअर फुल टॉस गेंद अच्छा सामान बैक टू द बॉलर गेंद को खेला फुल ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे दशम तिन्नति T20 प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला यहां पे वाईएमसी सिमली वर्सेस असेल रन के बीच और इस बार फिर हवा में खेलना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं बल्ले के निचले हिस्से पे गेंद लगी कोई रन नहीं गेंद वापस गेंदबाज सुनील सती के हाथों में छोटा सा रन अब दूर केवल फुटसोर से गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे मोहित और इस बार फिर अच्छी गेंद अपील वहां पे लेकिन नकारा अंपायर हर्षवर्धन चौधरी ने अनुभव को पूरा फायदा उठाते हुए अपने ओवर की अगली गेंद अंपायर चौधरी को पार किया और इस बार कट कर दिया और हल्की सी मिस फील्ड लेकिन रन लेने की कोई संभावना नहीं ओवर की सवाल ऑफसाइड में तीन खिलाड़ी मनोज देवराजी और गेंद उठा के खेलना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन संपर्क सही नहीं करा पाएगी अगर बल्ले का सीधा विकेट पर के दस्तानों में कोई रन नहीं अच्छी कसी हुई गेंदबाजी फिलहाल लगातार चलती हुई अभी तक 5 गेंदबाज जुकस प्रयोग करके वाइंस से भी ना आप जाओ गेंदबाजी मोशन करके आएगी अच्छा जी बल्लेबाजों पर इस बार क्लीन बोल्ड समझ ही नहीं पाए क्षणों में बल्ले को लेकिन संपर्क नहीं और सीधा विकेट मिडिल स्टंप विकेट कीपर के दस्तानों में यह 7वां विकेट का पतन 34 के ही योग पे सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी चलती हुई चौतीस रन 7 विकेट के नुकसान पे तो नए बैट्समैन के रूप में अभी मयंक आए हैं यहाँ पे 34 रन अभी तक असीड की टीम के द्वारा बनाए गए हैं ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ और काफी कसी भी खचाखच भरा हुआ चंद्र बॉलिंग सिमली के द्वारा देवराड़ी ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है धूप खिली हुई है क्रिकेट और धूप दोनों का आनंद लेते हुए दर्शक भरपूर मनोरंजन अभी तक दर्शकों का गेंदबाजों के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी निरंतर अंतराल पे विकेट चटकाते हुए और अब सामना करेंगे मयंक जो कि अभी अभी आए हैं नए बल्लेबाज मनोज देवराड़ी और इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद वाइड का सारा पैर जयपाल बुटो लगा इस वाइड के साथ स्कोर सरकता हुआ 35 रन कमेंट छोर से
गेंदबाजी करते हुए मनोज देवराड़े अपना तीसरा और पारी का 11 ओवर। और इस बार बैक टू द बॉलर खेला था गेंद को सोलह रन, अच्छी फील्डिंग तौर से कुछ रन बचाए और अब तैयार मयंक मनोज देवराड़े की गेंद का सामना करेंगे। और इस बार खेलना चाहते थे फिर ऑफ साइड में लेकिन चौके गेंद कॉमेडी छोर से अंपायर फुटो लगा पार करते हुए और इस बार फिर लेग स्टंप से बाहर और बाहर को जाती वाइड का इशारा विकेट के नुकसान पे। और इस बार फिर तीन बॉल सटीक लाइन फिर वापस गेंदबाज दोबारा वापस ड्रेसिंग रूम में मयंक बिना खाता खोले और ये आठवां विकेट 36 के युद्ध के और आगे का हाल आशीष नेगी। चंद्रपुर स्टेडियम और मैच चल रहा है इस बार फाइनल मैच असीड वर्सेस सिमली जिसमें थोड़ा सा असीड की स्थिति डगमगा रही है और 8 विकेट अब तक गिर चुके हैं। तो थोड़ा सा समरी में आपको बता ही दी 0 रन पर दूसरा विकेट गिरा, 1 रन पर तीसरा विकेट गिरा, 9 रन पर चौथा विकेट गिरा, 13 रन पर पांचवा विकेट गिरा, 18 रन पर छठवां विकेट गिरा, 34 रन पर सातवां विकेट गिरा, 34 रन पर और आठवां भी गिरा 36 रन पर। तो अभी तक भी कोई से भी बल्लेबाज यहां पर टिकने में नाकाम रहे हैं। अब बल्लेबाजी के लिए उतर रहे हैं फिर थकड़ बल्लेबाज सत्येंद्र, अजीब सा एक्शन उनका बल्ला पकड़ने का, शायद पावर ज्यादा जनरेट होती है शायद। जब मेरी पिछली बार उनसे बात हुई थी तो मैंने जरूर पूछा था उनसे कि आप जो ये बल्ला पकड़ते हैं इसका कुछ रीजन, तो उन्होंने कहा था कि इससे पावर बहुत जनरेट होती है बल्ले से। तो बेहतरीन मौका इस बार सत्येंद्र के पास अपनी टीम को इस डगमगाती हुई स्थिति से बाहर निकालने के लिए। इस बार तूफान में फंसी हुई है असीड की किस्ती और क्या सत्येंद्र इसको साहिल पे लेके आएंगे ये तो देखना बाकी है। और इस बार अब गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज हैं 45 नंबर की टी शर्ट पहने हुए गेंदबाज, राइट आर्म्स गेंदबाजी करते हैं ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये गेंद शानदार गेंद और उसे खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो शानदार 4 रन ये आता हुआ सत्येंद्र के बल्ले से, आते ही बल्ले का मुंह खोला और 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए और इन्हीं 4 रनों के साथ स्कोर जा पाता स्कोर बोर्ड पर 40 रन। तो मैच पवन ये मुकाबला होने जा रहा है, तैयार है बल्लेबाज और तैयार है पवन, काफी लंबा रनअप है पवन का और शानदार गेंद खेल दिया है उसे मिड ऑफ के क्षेत्र में और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब। ऑफ स्ट्राइक रूटेड होते हुए अब बल्लेबाजी करेंगे आपके चहेते बल्लेबाज सत्येंद्र, काफी हट्टे कट्ठे कद काठी के हैं सत्येंद्र, काफी पावर उनके हाथों में और सामने होंगे तेज तरार गेंदबाज पवन। राइट आर्म्स गेंदबाजी कर रहे हैं पवन, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी लंबा रनअप है उनका, लगभग 17 मीटर लंबा रनअप है उनका और इस बार ये गेंद सत्येंद्र को डाली हुई तो थोड़ा सा समझने में नाकाम रहे सत्येंद्र और गेंद को जाने दिया 10 नंबर के कीपर के हाथ ग्लव्स में। तो आज वाईएम से सिमली की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, क्या शानदार क्षेत्र रक्षण और खेल उन्होंने दिखाया है, वहीं थोड़ा सा असीड के दर्शक थोड़ा सा मायूस है निराश है पर जब तक सत्येंद्र मैदान में है तब तक कुछ ज्यादा यहाँ उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्दी आप सत्येंद्र के काफी पावर है उनके हाथों में और वहीं तेज तरार गेंदबाज है पवन। इस बार शानदार गेंद ऑप्शन से अंदर को आती हुई गेंद और सामने है बल्लेबाज सत्येंद्र का शानदार शॉट, ये मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला गया है शॉट, जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाज 1 रन लेकर वापस ड्रेसिंग रूम में मयंक बिना खाता खोले और ये 8वां विकेट 36 के युद्ध में और आगे का हाल आशीष नेगी।
पवन ये मुकाबला होने जा रहा है। तैयार है बल्लेबाज और तैयार है पवन। काफी लंबा रनअप है पवन का और शानदार गेंद खेल दिया है उसे मिड ऑफ के क्षेत्र में और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाज एक रन लेने में कामयाब। ऑफ स्ट्राइक रूटेड होते हुए अब बल्लेबाजी करेंगे आपके चहेते बल्लेबाज सत्येंद्र। काफी हट्टे कट्ठे कद काठी के हैं सत्येंद्र, काफी पावर उनके हाथों में और सामने होंगे तेज तरार गेंदबाज पवन। राइट आर्म्स गेंदबाजी कर रहे पवन, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी लंबा रनअप है उनका, लगभग 17 मीटर लंबा रनअप है उनका और इस बार ये गेंद सत्येंद्र को डाली हुई तो थोड़ा सा समझने में नाकाम रहे सत्येंद्र और गेंद को जाने दिया 10 नंबर के कीपर के हाथ ग्लव्स में। तो आज वाईएमसी सिमली की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, क्या शानदार क्षेत्र रक्षण और खेल उन्होंने दिखाया है। वहीं थोड़ा सा असीड के दर्शक थोड़ा सा मायूस है, निराश है, पर जब तक सत्येंद्र मैदान में है तब तक कुछ ज्यादा यहाँ उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्दी आप सत्येंद्र के काफी पावर है उनके हाथों में। और वहीं तेज तरार गेंदबाज है पवन। इस बार शानदार गेंद ऑप्शन से अंदर को आती हुई गेंद और सामने है बल्लेबाज सत्येंद्र का शानदार शॉट। ये मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला गया है शॉट, जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाज एक रन लेकर काम उसमें 70% उसमें वाईएमसी सिमली का दिखा रहा है और 30% उसमें अब जीत के चांस उसमें असीड के दिखा रहे हैं। तो शायद जल्द ही ये आंकड़े बदलेंगे और एक शानदार फिर से गेंद और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 42 रन 8 विकेट नुकसान पर और मात्र 2 विकेट दूर यहां पर पूरी टीम को पवेलियन भेजने के लिए 2 विकेट दूर यहां पर वाईएमसी और अभी भी 8 ओवरों का खेल यहां पर बाकी। 8 ओवर 48 गेंदें 48 मौके 48 चौके 48 छक्के 48 इक्के 48 दुक्के 48 तिक्के तो कुछ भी संभव है यहां पर। और फिर से बल्लेबाजी कर रहे हैं राइट आर्म्स बल्लेबाज सत्येंद्र। इस बार जो बल्लेबाजी हो रही है वो हो रही है इस बार केवलपुर छोर से और गेंदबाजी हो रही है पटेल नगर छोर से। फिर से गेंदबाजी का जिम्मा थमाया है कैप्टन ने मनोज को और मनोज ओवर द विकेट गेंदबाज शानदार गेंद उनकी है और थोड़ा सा समझने में नाकाम रहे उसको सत्येंद्र। और गेंद दोबारा से अब पहुंचती हुई गेंदबाज के हाथ में तो मनोज काफी लंबे कद के हैं मनोज है लगभग उनका 18 मीटर लंबा उनका रनअप है और सामने है तगड़े बल्लेबाज सत्येंद्र। शानदार शॉट ये और एक वहां पर अपील खेलते हुए शायद ये बाई का रन आता हुआ लेग बल्ले कर मोहित और सामने होंगे गेंदबाज मनोज देवरारी। वही करना चाहेंगे मोहित। इस बार शानदार शॉट फाइन लेग की दिशा में खेला गया है शॉट और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन पहला छक्का शानदार छक्का आता हुआ मोहित के बल्ले से महत्वपूर्ण 6 रन और इसी 6 रन के साथ 12वें ओवर में पहला छक्का थोड़ा सा गति पकड़ता हुआ 49 रन। अब थोड़ा सा गियर चेंज कर रहे हैं यहाँ पर मोहित। फिर से तैयार है गेंदबाज मनोज शानदार गेंद इन द एयर और बैक टू बॉलर खेलने का प्रयास और दोनों ही बल्लेबाज एक रन लेने में कामयाब। 50 रन हो गए भाई आसिफ टीम के इस समय। अब स्ट्राइक रोटेट होते हुए अब बल्लेबाजी करेंगे राइट आर्म्स बल्लेबाज तगड़े बल्लेबाज सत्येंद्र। पिछले कुछ मैचों का हम देखे तो सत्येंद्र ने लंबे लंबे हिट यहां पर जरूर लगाए हैं। ज्यादातर शॉट उन्होंने जो शॉट मारे हैं वो लॉन्ग ऑन को ज्यादातर शॉट खेलते हैं तो शायद फिर से हमको वही रूप देखने को मिलेगा आज सत्येंद्र का। और वही मनोज एक सफलता की तलाश में जरूर होंगे। पटकी हुई गेंद इस बार और ऑफ स्टंप के काफी बाहर उसे व्हाइट करार दिया अंपायर जयपाल आज पटेल नगर छोर से। मनोज शानदार गेंद चकमा खा गए वहां पर सत्येंद्र और जाने दिया उसे विकेट कीपर के ग्लव्स में और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति और चकमा खा गए यहां पर बल्लेबाज
तो रेडियो के माध्यम से जो दर्शक हमको सुन रहे हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि गेंदबाजी इस बार केवल फुट छोर से गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाजी हो रही है। इस बार बल्लेबाज जो नीले पैड पहनकर आज मैदान में उतरे हैं और सामने है गेंदबाज मिथिलेश। तो मिथिलेश की अगली गेंद तैयार है बल्लेबाज मोहित, और मोहित के लिए अगली गेंद और पटकी हुई गेंद और उसे शानदार शॉट खेल दिया है मिड ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाज एक रन लेने में कामयाब, और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पर। 52 रन हो चुके हैं भैया सीड के, फिर से आप 14 ओवर पर प्रगति पर है बल्लेबाजी के लिए। राइट आर्म से बल्लेबाज है सत्येंद्र, और जायजा लेते हुए मैदान का, और ये अगले अपना रनअप लेते हुए मिथिलेश और शानदार तरीके से खेल दिया गली की दिशा में शॉट। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाज एक रन लेने में कामयाब। तो दोनों ही बल्लेबाज समझदारी के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि जल्दबाजी उनके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो पिछले विकेट थे वो अब तक आउट हो चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दोनों ही बल्लेबाजों पर, मोहित पर भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, और साथ ही थोड़ा सा दबाव जरूर होगा दोनों बल्लेबाजों पर। यदि दबाव से उभर जाते हैं तो एक बढ़िया सा स्कोर वो यहां पर जनरेट करने में कामयाब रहेंगे। इस बार मिथिलेश अपना छोर चेंज करेंगे, अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे शायद, और सामने हैं धाकड़ बल्लेबाज मोहित। अपना रन अप लेते हुए मिथिलेश अंपायर को पार किया, और ये गेंद मोहित के लिए इस बार उठाकर खेल गया, एक मौका इन द एयर और ड्रॉप। गंगा ने तो थोड़ा नाखुश दिख रहे हैं कैप्टन यहाँ पर गंगा से, एक बढ़िया मौका था, लगभग गेंद उनके हाथ में फंसी चुकी थी। पर अक्सर ऐसा होता है जब हम जल्दबाजी में निर्णय ले बैठते हैं, कलाई वो पहले ही अपनी बंद कर चुके थे, एक मौका जरूर था पर भाग्यशाली रहे यहाँ पर मोहित, और इसी के साथ एक रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। अब स्ट्राइक रोटेट होते हुए सामने होंगे सत्येंद्र इन द एयर, एक मौका फिर से यहां पर फाइन लेग की दिशा में परते हुए मिथिलेश, और सामने है बल्लेबाज मोहित। इस बार इन द एयर और एक मौका यहां पर ये भी गवाया, थोड़ा सा आगे से सुनील के हाथ में लगभग गेंद पहुंच ही चुकी थी, और दो बार यहां पर खराब फील्डिंग देखने को, हल्का सा एफर्ट लगाते हैं तो बढ़िया सा रन यहां पर जनरेट कर सकते हैं। वही भूपेंद्र चौधरी जरूर चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द मोहित को पवेलियन भेजे। अगली गेंद शानदार गेंद, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे डाली हुई है गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतना कम, बहुत वेरिएशन है भूपेंद्र चौधरी की गेंदों में, ये ऐसा गेंदबाज है कि आप इसको हल्के में ना लें। बहुत दूर से क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, देहरादून से लगभग क्रिकेट खेलने के लिए आए, 306 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचे हैं आज मैदान में भूपेंद्र चौधरी। अब फिर से तैयार है मोहित, इस बार शानदार गेंद, बिल्कुल फीट हो गए यहाँ पर बल्लेबाज, और बिल्कुल खेलते हुए मिडिल स्टंप पर आ पहुंचे, और कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई वहां पर अंपायर को निर्णय लेने में, और आउट हो चुके हैं मोहित। थोड़ा सा इस बार हटकर खेलने का जरूर प्रयास किया था उन्होंने, और विकेट पर आ पहुंचे तो कोई ज्यादा, क्योंकि हम पहले ही आपको बता रहे थे कि भूपेंद्र चौधरी को आप हल्के में लेने की, आप बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं कैप्टन असीड के, कैप्टन इस समय 10वें अंतिम खिलाड़ी के रूप में उतरे हैं, 10वें विकेट के रूप में, काफी कम अभी तक स्कोर हुआ है। तो शक्तिशाली ढाबा से हमारा अनुरोध है कि आप अंपायरों के लिए चाय बना कर रखें, ये अंतिम विकेट लेते हुए पंकज भंडारी, और सामने होंगे तेजतर्रार गेंदबाज भूपेंद्र चौधरी। तो काफी तगड़े हट्टे कत्थे बल्लेबाज हैं पंकज भंडारी, भारतीय सेना के नौजवान हैं पंकज भंडारी। शानदार फाइन लेग की दिशा में, कोई ज्यादा उतावली नहीं दिखाई उन्होंने, और एक रन लेने में कामयाब। अब स्ट्राइक रोटेट होते हुए अब बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज सत्येंद्र, और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 57 रन। तो भूपेंद्र के सामने होंगे बल्लेबाज सत्येंद्र, मिड ऑन क्षेत्र में काफी बेहतरीन मौका इस बार सत्येंद्र के पास, वही भूपेंद्र चौधरी जल्द से जल्द इस मैच को, इस इनिंग को खत्म करना चाहेंगे। अब फिर से ये अगली गेंद, इस बार भी शानदार गेंद, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे डाली हुई है गेंद, तो एक डाउट गेंद डालने में कामयाब रहे गेंदबाज भूपेंद्र चौधरी। आज
कप्तान कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। लंबा सा रनअप है उनका, लगभग 15 मीटर लंबा रनअप। इस बार शानदार गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार उछाल उनकी गेंदबाजी में, स्विंग होती हुई गेंद। जैसे जैसे अब मैदान में थोड़ा ड्यू यहां पर जरूर रहती है, और अध्यक्ष जी भी हम शाम को इस बार हाथ से लपक चुकी हुई गेंद, और बिल्कुल एक अपील वहां पर फाइन लेग की दिशा में खेला गया है सत्येंद्र का शॉट, और इसी एक रन के साथ ही ओवर की समाप्ति। इस एक रन के साथ स्कोर जा पाता है स्कोर बोर्ड पर 58 रन। तो अध्यक्ष जी लगातार हर शाम इस फील्ड को भिगो देते हैं, और थोड़ा सा यहां पर फील्ड में बदलाव होता हुआ इस बार सत्येंद्र के लिए स्लिप पर भूपेंद्र चौधरी खुद खड़े हैं। तो पवन की ये पहली गेंद इस ओवर की, इस बार उठाकर खेलने का प्रयास पर संपर्क नहीं हो पाया यहां पर गेंद और बल्ले का, तो गेंद जा पहुंची 5 नंबर के विकेट कीपर के ग्लव्स में, और एक डाउट गेंद डालने में कामयाब रहे गेंदबाज पवन। तो पवन शानदार गेंदबाजी करते हैं इस बार, गली में धकेलने का प्रयास और सफल प्रयास दोनों ही बल्लेबाज, एक रन लेने में कामयाब। अब स्ट्राइक रोटेट होते हुए अब बल्लेबाजी करेंगे कैप्टन पंकज भंडारी, और सामने होंगे गेंदबाज पवन। राइट आर्म से बल्लेबाजी करते हैं पंकज भंडारी, आज लाल टोपी पहनकर मैदान में उतरे हैं पंकज भंडारी। इस बार शॉट खेलने जाते थे, फिर ठीक टाइम पर अपना मन बदला और गली की दिशा में शॉट खेला, जब तक हाना की स्थिति यहां पर, एक मौका जरूर यहां पर सुरक्षित बल्लेबाज आउट। आउट आउट आप, क्योंकि दूसरी यहाँ पे असेल की ऑल टीम आउट तो हो गई है भाई। 10 विकेट का भी पतन यहाँ पर 60 रन पर, 60 रन असेल ने बनाए हैं, ऑल टीम आउट हो चुकी है यहाँ पे। और अब थोड़ा देर बाद तो समरी हम आपको बता दें यहाँ पर, इस छोटी सी समरी। सभी लोगों का और इसी बीच पवन वेनो हरी सोनियाल और देवेंद्र गुसाई, नवीन कॉमेडी शॉट से गेंदबाजी करेंगे दूर, हरीश स्ट्राइक करेंगे दूर केवल फुट छोड़ की तरफ से। तो ये दूसरे टॉसित कर असेड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 60 रन, और पहली गेंद हवा में गेंद फील्डर गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच वहां पे। तो पहली गेंद पहली सफलता असेड टीम को मिलती हुई, कभी अच्छी गेंद उसको उठा के खेलना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं करा पाए बल्ले को, और हवा में काफी ऊपर गेंद स्लिप पॉइंट के क्षेत्र में यहाँ पे फील्डर के द्वारा कैच पकड़ा हुआ, जीरो पे एक विकेट है यहाँ पे। तो काफी अच्छा मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ, ऐसी शुरुआत कुछ एमसी तरफ की तरफ से गेंदबाजों ने की थी, और उसी क्रम में अब असेल के गेंदबाजों के द्वारा भी फिलहाल मात्र एक गेंद और अच्छी गेंद और उस पर सफलता उठा के खेलना चाहते थे बल्ले का ऊपरी स्तर के काफी ऊपर हवा में गेंद और थ्री पॉइंट में अच्छी कैच वहां पे अच्छा जज किया मनोज ने। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आशीष सामने करेंगे मोहित की गेंदबाजी का, जो कि कमेंट्री छोड़ से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, सामने करेंगे आशीष। काफी लंबा रन है अंपायर चौधरी को पार करते हुए अपने ऊपर कैच लीजिए, पटकी हुई गेंद उछाल लेती हुई गेंद जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में से बाहर रहे। अब तैयार आशीष सामना करेंगे मोहित की गेंदबाजी का, यह गेंद और इस बार एक अपील वहां पे लगे समझे काफी पार नकारा अंपायर ने, और नो बॉल का इशारा काफी
और थ्री हिट है, तो इस नो बॉल के साथ। और इस बार खेला है ऑफ साइड में, गेंद जा रही है और अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छा फील्ड फील्डर मुकेश देवेंद्र। आज मोहित की गेंदबाजी का पहली गेंद और क्लीन बोल्ड, पूरी तरह उठा के खेलना चाहते थे और एक दूसरा विकेट का पतन यहाँ पे। काफी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, गेंदबाज के द्वारा सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी, हवा में बल्ले को घुमाया था, डिफेंड कर सकते थे लेकिन चौधरी बटर एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है, रन कुछ खास नहीं, ओवर पूरे 19 पड़े हुए आपके पास, तो एक अच्छी पार्टनरशिप के सही तालमेल सूझबूझ भरी एक पारी की जरूरत। और वही अगर असीड को मुकाबला जीतना है तो एक मोहित अपने ओवर के अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, अच्छा सामान कट कर दिया चौधरी बटर, एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है, रन कुछ खास नहीं, ओवर पूरे 19 पड़े हुए आपके पास, तो एक अच्छी पार्टनरशिप के सही तालमेल सूझबूझ भरी एक पारी की जरूरत। और वही अगर असीड को मुकाबला जीतना है तो एक मोहित अपने ओवर के अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, अच्छा सामान कट कर दिया को जीतना है मोहित अपने ओवर के अगली बार, इस बार फुल टॉस गेंद और पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे और आगे का हाल सती। धन्यवाद। तो लगभग नितेश अब गेंदबाजी का जिम्मा लेंगे केवल पुरान के सामने, बल्लेबाज आशीष चौधरी। अब चौधरी बर्दर से आशीष और भूपेंद्र दोनों भाइयों ने लगातार कई टूर्नामेंट YMCA सिमली को जिताए हैं। आने वाले बल्लेबाजों में सुनील है 65 रन पेठानी में उन्होंने फाइनल मैच में बनाए थे अपनी टीम के लिए, देखते हैं आज अपनी टीम को कहां तक लेके। नितेश अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर केवलपुर एंड से, सामने बल्लेबाज आशीष चौधरी, अच्छी गेंद प्लेस किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। सटीक लाइन और लेंथ के साथ और दो लो स्कोरिंग मैच देखने को मिले हमें लगातार, कल भी 60 रन बनाए थे YMCA सिमली ने और 58 रन पे रोक गया था कोहरा डंक मार कोहरा का लक। और ये हल्की सी अपील, जोरदार अपील, जोश में जोड़ा विश्वास में कल नकार अंपायर चौधरी ने और वाइट का सारा अंपायर जयपाल बुटोला का, तो इसी एक अतिरिक्त रन के साथ चले धीरे धीरे कदम चंपा जयपाल बुटोला का पार किया, अच्छी गेंद बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, शानदार गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। तो चौधरी ब्रदर्स क्या अपनी टीम को जीत दिला पाते हैं और कहां तक लेके जाते हैं इस पारी को। चले गेंदबाज अच्छी गेंद इनिंग हुई प्लेस किया, रन लेना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा पंकज भारतीय सेना में तैनात। फिर से तैयार गेंदबाज नितेश, सामने बल्लेबाज आशीष दबाव महसूस करते हुए, अच्छी गेंद फिर से इनिंग अच्छी फील्डिंग प्रदीप द्वारा, शॉर्ट थर्ड मैन कह सकते हैं या जरूरत। चले गेंदबाज नितेश, सामने आशीष है, अच्छी गेंद फिर से अंदर की तरफ आई और आखिरी समय में उनका बल्ला तरफ से YMCA सिमली को यह मैच बनाने, अच्छी गेंद फिर से उछाल लेती हुई और अंदर का खतरा, विकेट कीपर को पता नहीं था कि गेंद कहां गई। यह मैच जीतने के लिए अभी मात्र 2 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहे हैं। गेंदबाज मोहित अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर कमेंट्री बॉक्स छोर से, सामने बल्लेबाज होंगे आशीष चौधरी। तो चौधरी ब्रदर्स आशीष और भूपेंद्र, चले गेंदबाज धीरे धीरे कदमों से, चले गेंदबाज मानो स्टंप को चुमती हुई गई हो गेंद, स्लोअर गेंद भाप नहीं पा बेटी सब चीजें उनके पास। चले गेंदबाज मोहित फुल टॉस गेंद, इसको ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा
सामने आशीष खराब गेंद, डिजाइन गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर चौधरी का और फिर हिट, मानो उनके हाथ से छूट गई हो गेंद बैट्समैन के सर के ऊपर से, एक रन उस पर आया था। अब इसको लॉलीपॉप बना के गेंद बाउंड्री लाइन बाहर मारना चाहेंगे आशीष। चले मोहित धीरे कदमों से अंपायर हर्षवर्धन को पार किया, सामने आशीष फायदा नहीं उठा पाए, फिर हिट है तो शायद स्टम्पिंग का कोई चांस नहीं, थ्री हिट गेंद थी तो थ्री हिट गेंद पे स्टम्पिंग का कोई चांस नहीं होता है। कैमरे की लगातार तीखी नजर विकेट पे, आपको पूरा विवरण हम दे सकते हैं रेवार चैनल के माध्यम से, हमारे बीच जी हमारे बीच लगातार सीधा प्रसारण आपको कर रहे हैं। और हमारे दोनों निर्णायक फील्ड अंपायर सीधा बोल्ड विकेट पे गेंद लगी थी और उसमें कोई दो राय नहीं, इस बीच फिर तैयार मोहित और इस बार फिर फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, लगातार व्यवधान की कोशिश कोई ज्यादा नहीं तो एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत। और इस बार फिर एक अपील नकार अंपायर चौधरी ने, लेकिन सुनते काफी बाहर मोहित, फिर अच्छी गेंद और इस बार क्लीन बोल्ड हुए, लगातार परेशान किया था गेंद बल्लेबाज आशीष चौधरी को, सॉरी भूपेन चौधरी को, और इस बार क्लीन बोल्ड। तो ये तीसरा विकेट है कैप्टन, तो तीन जो अभी तक विकेट लिए हैं और बल्लेबाज ने पवन पवन रावत अब बल्लेबाजी करेंगे और अच्छी गेंदबाजी मोहित के द्वारा, लगातार तीन सफलताएं अपनी टीम के लिए अर्जित कर चुके हैं और अब गेंदबाजी करेंगे दूर केवल पुरथोर से। नितेश और आगे का हाल आशीष नेगी। धन्यवाद अशोक भाई, और फिर से बहुत गर्मा गर्मी का माहौल मैदान में, कांटे की टक्कर बिल्कुल, फिर से हमारे अध्यक्ष जी के 1.5 करोड़ के एप्पल के लैपटॉप पर विन परसेंटेज 50-50 दिखाता हुआ, तो किसी भी तरफ ये मैच जा सकता है, वहां जितनी तारीफ की जाए आज असेड की उतनी कम। और इस बार शानदार गेंद और बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गए हैं वहां पर आशीष चौधरी, और शायद विकेट गिरने का सिलसिला यहाँ पर थम नहीं रहा है, मानो ऐसे विकेट गिर रहे हैं जैसे पके हुए पेड़ से फल गिरते हैं कि जैसे किसी ने पूरा पेड़ झकझोर दिया हुआ और सारे फल दड़ाधड़ नीचे गिर गए होंगे, तो थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा यहाँ पर वाईएमसी सिमली को, बहुत दबावपूर्ण स्थिति में इस बार वाईएमसी सिमली, और वहीं जोश काफी बरकरार असली टीम का, तो यहाँ पर चाहिए कि सिमली टीम को थोड़ा सा वो संभाल कर खेले, और क्योंकि काफी बड़े लंबे ओवर अभी उनके पास पड़े हुए हैं और जल्दबाजी कर वो मैदान में उतरेंगे, काफी उम्मीदें होंगे और सुनील का चाहने वाले लाखों में 1.5 लाख दर्शकों से भरा हुआ ये स्टेडियम, और उसमें से लगभग 60% लोग सुनील के चाहने वाले, तो सुनील का जयकारा लगता हुआ, तो जरूर अपने दर्शकों को आज निराश नहीं करेंगे सुनील, थोड़ा टिक कर खेलेंगे सुनील, और इन्हें सिमली की दीवार कहा जाता है, जब जब विकट परिस्थितियां आई हैं वॉयम से सिमली पर, तो सुनील एक मझधार से नैया निकालने वाले बने हैं, सुनील एक दीवार बन के उभरे हैं, और वहीं जितनी तारीफ की जाए आज असीर टीम की उतनी कम, क्या शानदार तरीके से एक दबाव से बाहर आती हुई टीम और बिल्कुल रुख बदलती हुई, और बल्लेबाजी हो रही है पटेल नगर छोर से, और बल्लेबाज है राइट आर्म्स बल्लेबाज सिमली की दीवार सुनील, और सामने है तेज तरार गेंदबाज चकमा देने में माहिर गेंदबाज नितेश, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और वहीं अंपायरिंग कर रहे हैं अंपायर अनुभवी अंपायर, 3132 मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं जयपाल बुटोला, बिल्कुल इस बार घेर दिया है सुनील को, सामने एक प्लेयर और सामने उनके फ्रंट पे एक प्लेयर प्लेस कर दिया गया है, तो अभी अगली गेंद इस बार शानदार गेंद उसे बिल्कुल समझदारी के साथ
डिफेंस करना, सही समझा सुनील ने, एक दाम में एक प्लेयर और सामने उनके फ्रंट पे एक प्लेयर प्लेस कर दिया गया है। तो अभी अगली गेंद, इस बार शानदार गेंद, उसे बिल्कुल समझदारी के साथ डिफेंस करना, सही समझा सुनील ने, एक दम मनोबल उनका ऊंचा और सामने है बल्लेबाज सुनील। इस बार इंद्र यार और खराब किस्मत, तो इस बार दीवार बिल्कुल ढह चुकी है, कच्ची दीवार बन के उतरे इस बार सुनील और आउट हो गए वहां पर गली की दिशा में, ना चाहते हुए उनका बल्ला थोड़ा अड़ा और अपना विकेट गंवा बैठे सुनील। वापस आ रहे हैं, निराश हैं सुनील और उनके चाहने वाले, लगातार उनके आंखों में आंसू और पांचवा विकेट गिरा, छह रन पर तीसरा विकेट मैदान में मिथिलेश सती। बहुत बार लंबी लंबी हिट इन्होंने जरूर लगाई थी, पर इस बार थोड़ा टिक कर खेलना होगा मिथिलेश सती को, पिछले मैच के वो हीरो रहे थे, इस बार भी अब वो हीरो बन के उभरेंगे और इस डूबती हुई नैया को पार कराएंगे मिथिलेश ने की। और सामने है फिर राइट आर्म गेंदबाज पटेल नगर छोर से, सॉरी केवलपुर छोर से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मोहित, शानदार गेंद चकमा खा गया यहाँ पर मिथिलेश सती और जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में, एक डाउट गेंद डालने में कामयाब रहे गेंदबाज नितेश, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं नितेश, लंबा सा रनअप है उनका, लगभग 18 मीटर लंबा रनअप है उनका। और अगली गेंद फिर इस बार उठाकर खेल गया, शानदार शॉट मिड ऑफ की तरफ गया, 4 रन, तो महत्वपूर्ण चौका ये मिथिलेश के बल्ले से आता हुआ, सीधे गेंद अपने ही घर के पीछे कोंडीने में फेंकी मिथिलेश ने और बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 10 रन। दाही के आंकड़े पर वाईएमसी सिमली, तो मिथिलेश 6 रन का ये गड्ढा भरने में कामयाब रहे मिथिलेश और चक्रव्यूह को तोड़ते हुए गेंद पहुंचाई सीधे बाउंड्री के बाहर और फिर से तैयार है गेंदबाज नितेश। इस बार फिर गली की दिशा में खिलाया है शॉट, जब तक गेंद फील्ड होती तब तक गेंद धीरे धीरे पहुंच, 4 रन बाउंड्री के बाहर गेंद और ये दूसरा चौका आता हुआ मिथिलेश के बल्ले से, तो बहुत खुश होंगे कल से मिथिलेश के चाहने वाले, क्या शानदार गेंदबाजी की थी और आज क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं मिथिलेश। तभी तो इंग्लैंड देश इनके पीछे पड़ा हुआ कि आप हमारी नागरिकता क्यों नहीं ले लेते हैं, इंग्लैंड के टीम इनके पीछे पड़ी हुई कि आप हमारी टीम से गिरे, पर देशभक्त मिथिलेश भारत उत्तराखंड छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, भी आ सकता है, तो जिनका दिल कमजोर है वो इस मैच से दूर रहे, टीवी बंद कर दे, अपने काम करें, क्योंकि बहुत तगड़ा मैच चलता हुआ अब इस बार बल्लेबाजी हो रही है पटेल केवलपुर छोर से, हां ना कि यहां परिस्थिति और रोका वहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म्स गेंदबाजी करते हैं पटेल नगर छोर से, गेंदबाजी कर रहे हैं राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार फुल टॉस गेंद उसका फायदा नहीं उठा पाए पवन और एक रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। तो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज मोहित, बहुत तगड़े हड्डे कट्ठे कद काठी गए हैं मोहित, काफी जान उनके हाथों में, लंबा सा उनका रनअप है, लगभग 17 मीटर लंबा उनका रनअप है और सामने है मिथिलेश। इस बार फुल टॉस गेंद उसे भुनाना चाहते थे, तब तक गेंद फाइन लेग की दिशा में ये गेंद और अंपायर का यहां पर नो बॉल का इशारा, तो दो अतिरिक्त रन यहां पर आते हुए, फिर वहीं चालाक गेंदबाज मोहित एक डाउट गेंद डालने में यहां इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, बोल्ड मारा पर ये फ्री हिट था तो इसलिए वो आउट नहीं हुए, क्या शानदार ये गेंद थी, तो थोड़ा सा नाखुश जरूर लग रहे हैं यहां पर मोहित क्योंकि गेंदबाजी बहुत शानदार थी। वहीं जल्द से जल्द आप ये मैच शुरू करवाएं, थोड़ा सा जो भी टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है आप तुरंत उसका निदान वहीं पर कर दें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत लंबा समय, सूर्य भगवान का रथ बहुत तेजी से पश्चिम दिशा में भागता हुआ, तो अब अपना छोर चेंज करते हुए इस बार शॉट खेल दिया है पवन ने मिड ऑफ के क्षेत्र के पास, मिड ऑन क्षेत्र में खेलने का, और फिर से अपना छोर चेंज करते हुए गेंदबाज इस बार पटकी हुई गेंद, शानदार शॉट और सीधे गेंद बाउंड के बाहर 6 रन।
तो शानदार छक्का लगाया यहाँ पर पवन ने और इसी 6 रनों के साथ अब स्कोर उठ खड़ा हुआ, दौड़ने लगा, जा पहुंचा 23 रन। तो पवन ने गेंद को पवन में लटका कर बहुत दूर भेजा। अब फिर से तैयार गेंदबाज पंकज, इस बार शानदार शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में, पर उतरे नितेश और सामने होंगे बल्लेबाज मिथिलेश। और जो गेंद बॉन्ड के बाहर आई थी हमारे धन्यवाद देगी जी। तो इस बीच अच्छी गेंद बीट पे बल्लेबाज और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कष्ट करें, इस फाइनल का आनंद लें। और हमारी महिला शक्ति काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचे। चले गेंदबाज, अच्छी गेंद, क्लीन बॉल अंदर की तरफ आई, हट के मारना चाहते थे और गेंद इन स्विंग में और क्लीन बॉल हो गए मिथिलेश। काफी अच्छी पारी खेली, छोटी सी पारी मिथिलेश की, लेकिन हट के लॉलीपॉप बनाना चाहते थे और क्लीन बॉल हो गए। तो फिर से एक शानदार वापसी टीम से मिथिलेश, अच्छी पारी, दो चौके मारे उन्होंने शानदार। तो टीम का स्कोर 23 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। अब देवराली सामना करेंगे गेंदबाज देश का। चले धीरे धीरे मौसम पर जयपाल को पार गया, खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, विकेट कीपर भी चूके, बैट्समैन भी चूके, फील्डर भी चूके, बढ़िया मार, बढ़िया बॉल, 5 रन। तो 5 अधिक के खाते में एक वाइट कार्ड बाई 4 के द्वारा यह मैच और 20% सिमली की तरफ चले। अच्छी गेंद, फिर से इनसिंग हुई गेंद से, धीरे धीरे कदमों से अंपायर जयपाल को पार गया, सामने देवराड़ी, अच्छी गेंद, चले गेंदबाज नितेश, सामने बल्लेबाज देवराड़ी, धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार गया, खराब गेंद और इसमें एक रन लेना चाहते थे जरूरत। अगर सामने बल्लेबाज देवराड़ी, अच्छी गेंद प्लेस किया, चले गेंदबाज, अच्छी गेंद प्लेस करा उसे ऑन साइड में, कोई गेंदबाज है मनोज स्पिनर गेंदबाज है, चकमा देने में बहुत ही कामयाब है। पहली गेंद और उसे खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, शानदार शॉट और शानदार फील्डिंग यहां पर देखने को मिली फील्डर के द्वारा, और महत्वपूर्ण 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए और 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। अब स्ट्राइक रोटेट होते हुए अब बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज मनोज, और उनके साथ सामने होंगे गेंदबाज गेंदबाज मनोज। तो मनोज मनोज के बीच अब ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। वो वापस आएंगे और वहीं असील टीम जिस हिसाब से अपना प्रदर्शन कर रही है लगातार उसे वही रुख अपनाना होगा। अब थोड़ा सा विन परसेंटेज लगभग बराबर होता हुआ इस बार, शानदार गेंद और यहां पर अंपायरिंग कर रहे हैं, काफी लंबा अनुभव है उनके पास। फिर से तैयार गेंदबाज मनोज और सामने है बल्लेबाज मनोज, इस बार खेल रहे शॉट गली की दिशा में खेला हुआ है, शानदार शॉट पुल शॉट और दोनों ही बल्लेबाज 1 रन बटन, शानदार गेंद और उसे वहीं पर बल्ला अड़ाना उन्होंने ठीक समझा ठीक टाइम पर और 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। और इसी के साथ स्कोर 1 रन के साथ स्कोर लुढ़कता हुआ पहुंचा 32 रन, विकेट दूर 4 विकेट दूर 4 विकेट दूर जीतने के लिए यहां पर असेड। इस बार खराब शॉट खेलना चाहते थे, उसे पुल करना चाहते थे, पर यहां पर जल्दबाजी कर बैठे बल्लेबाज मनोज, और मनोज ने मनोज का विकेट चटकाया दोनों स्टंप कुंभकर्ण की तरह जमीन में लेटे हुए। और अब उन्हें उठा रहे हैं अंपायर जयपाल भटोला की, उठो अब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, अब नए बल्लेबाज उतर रहे हैं। तो YMCA अंपायर हर्षवर्धन चौधरी से, तो हमारे युवा बल्लेबाज युवा हमारे पंडित जी हैं ये नीरज सते, तो बहुत ही शानदार अब तक रिकॉर्ड रहा इस बल्लेबाज का। तो इस बार YMCA टीम सॉरी पूर्ण किला खड़ा कर दिया है, घेर लिया है नीरज को और उसे वहीं पर डिफेंड करना सही समझा नीरज ने, मात्र 3 विकेट चटकाने हैं और वो विजयी यहां पर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं 9 नंबर की टी शर्ट पहने हुए, तगड़े हड्डे कट्टे कदकाठी के बल्लेबाज पवन।
और इस बार जो रेडियो के माध्यम से हमको सुन रहे हैं हम उनको बताना चाहेंगे कि बल्लेबाजी हो रही है पटेल नगर छोर से और वहीं गेंदबाजी हो रही है बैठी के छोर से और गेंदबाज है गेंदबाज नितेश अब तक शानदार बाज फिर से तैयार है राइट आर्म से बल्लेबाज और नितेश वहीं अपना रनअप लेते हुए ओवर द विकेट गेंद इस बार शानदार गेंद और थोड़ा सा चूके वहां पर बल्लेबाज जब तक गेंद फील्ड होती तब तक लगातार यहां पर दौड़ लगाते हुए और इसी के साथ शानदार यहां पर उन्हें रन डिफेंड किए फील्डर ने जब तक सारा और दो रन ये लेग बाई के आते हुए इन्हीं दो रनों के साथ स्कोर जा पाते स्कोर बोर्ड पर 34 अब इस बार फिर थर्ड मैन की भूमिका में आए हैं कैप्टन खुद कैप्टन भंडारी शानदार तरीके से इस बार खेल दिया है शॉट लंबा उनका रनअप है अपना रनअप लेते हुए ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे शानदार गेंद और उसे वहीं पर डिफेंड हल्के भी ना ले वही तेज तरार गेंदबाज नितेश उनके सामने इस बार शानदार शॉट खेल दिया है गली की दिशा में और जब तक गेंद डिफेंड होती तब तक मनोज के लिए भी सेम फील्ड से चाहिए इस बार पूरा कवर अप करने का प्रयास किया गया है मनोज को स्लिप एक सामने और एक फाइन लेग की दिशा में इस बार ये गेंद खराब गेंद और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाज एक रन लेने में कामयाब और एक वाइट का तो दो अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ते हुए इन्हीं दो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन तो महत्वपूर्ण उपहार के रूप में दिया आपके चहेते बल्लेबाज नीरज सती बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी यहां पर बहुत लंबी हिटों के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज नीरज सती बहुत तगड़े शॉट लगाते मैक्सवेल की तरह खेलते हैं या मैक्सवेल इनकी तरह शानदार शॉट पर इस बार कामयाब नहीं हो पाए और फाइन लेग की दिशा में कैच आउट हो चुके हैं नीरज सती और कुछ खास नहीं कर पाए अपने बल्लेबाजी से और काफी निराश लग रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं नीरज सती स्कोर पहुंचा है स्कोर बोर्ड पर 37 रन अब बल्लेबाजी करेंगे राइट आर्म से बल्लेबाज दीपक चौबीस रन दूर मात्र जीत से सिमली टीम और वहीं दो विकेट दूर असेड की टीम तो बहुत ही युवा बल्लेबाज है दीपक बहुत जोश खरोश इस बल्लेबाज के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा क्रिकेट के प्रति बहुत समर्पित है ये युवा लंबी लंबी हिटें भी कभी कभी लगा लेते हैं और शानदार तरीके से आज बिल्कुल अपनी चोटी कस कर गए हैं मैदान में और दीपक के लिए फिर वही जाल बिछाया इस बार एक मौका था पर लक्की साबित रहे यहां पर दीपक और एक रन लेने में काम शानदार शॉट क्या ये मौका मिलेगा इन द एयर पर चूके यहां पर बहुत दूर थी गेंद जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों ही बल्लेबाज लगातार अपनी दौड़ पूरी करते हुए और दोनों ही बल्लेबाज तीन रन लेने में कामयाब आज कैप्टनशिप करेगा मात्र 20 रन दूर जीत से टीम सिमली वाईएमसी सिमली और इस बार गेंद पैट पे लगती हुई और बाहर जाती हुई लेग स्टंप से उसे नकारा अपील को वहां पर तैयार है गेंदबाज मनोज और सामने हैं इस बार दीपक का शॉट और कैच आउट फाइन लेग की दिशा में और वापस पवेलियन की तरफ बल्लेबाज दीपक और अब 9वें विकेट का पतन अंतिम जोड़ी अब मैदान में मानो फिर से किसी ने पेड़ हिला दिया होगा और सारे फल गिर गए होंगे अब लास्ट जोड़ी मैदान में वहीं जीत से कुछ दूर असेड़ और कुछ रन दूर टीम असेड़ ने और गंगा जाते नए बल्लेबाज गंगा काला लंबी लंबी हिटों के लिए जाने जाते और मात्र चार हिट दूर वाईएमसी सिमली अगर चार हिट लगाने में कामयाब रहे गंगा काला तो मात्र चार गेंदों में वो मैच को खत्म कर देंगे वहीं एक विकेट दूर असेड़ लंबी लंबी हिटों के लिए जाने जाते हैं गंगा जत नॉन स्ट्राइक वाले बल्लेबाज उनको समझाते हुए कि पॉट करें और काफी गेंद शेष है अभी वाईएमसी सिमली के पास लेकिन विकेट मात्र एक आखिरी जोड़ी मैदान में मात्र 20 रन दूर वहीं चार हिट दूर
वाईएमसी सिमली, चार हिट दूर वाईएमसी सिमली और एक विकेट दूर असेड। तो कांटेदार मुकाबला मानो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरह यह मैच हो रहा हो। गेंदबाज मनोज उन्होंने दो गंगादत लंबी लंबी हिटों के ले जाने जाते हैं। गंगादत देखते हैं अपनी टीम को कहां तक लेके जाते हैं। देवेंद्र कदम संपर्क को मार गया और गेंद को ब्लास्ट कर दिया ऑन साइड में। गेंद जब फिर होती तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान। सेंट वाईएमसी सिमली कहां तक पहुंच पाती है वाईएमसी सिमली और कितनी जल्दी इस विकेट को लेने में सफल होते हैं। सेल और इसी बीच गेंदबाज विपिन अपने गोटे का पहला और टीम का दसवां ओवर केवलपुर एंड से। सामने बल्लेबाज काफी देर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उठा के मारना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान और गेंद विकेट कीपर के पास। कहीं भी जा सकता है मैच क्योंकि चमत्कार, जब तक आखिरी गेंद नहीं हुई तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चले विपिन बैट बॉलर खेला, चले धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया और गेंद को उठा के खेल दिया ऑन साइड में। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक दौड़ पूरी करी, दूसरी दौड़ के लिए दौड़ते हुए दो अंपायर के सराहना बाकी। वो सिर्फ वहां पे ना बताते इस साइड को बैठ जाए, दर्शकों से गेंद क्यों बाहर बैठे और इस दिन गेंद को प्लेस कर दिया ऑफ साइड में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लाल टोपी वाले भाई साहब इनका नाम हम भूल रहे हैं। अच्छी गेंद इसको उठा के खेल दिया लॉन्ग बॉल बाउंड्री की तरफ, नीचे फील्डर जाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। चार रन मीडिया प्रभारी हमारे राहुल नेगी जी जाते हुए, चार रन का इशारा। वहीं मौजूद रहे मीडिया प्रभारी राहुल नेगी जी, अनुरोध किया आप वहीं मौजूद रहे। और इस चौका के साथ टीम का स्कोर 47 रन 9 विकेट के नुकसान पे, मात्र अब 14 रन दूर वाईएमसी सिमली। और गेंद को खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, फील्डर उसके पीछे, गेंद भौगोलिक परिस्थिति का शॉट आउट पर टकराई और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दो दौड़ पूरी करी दोनों बल्लेबाजों ने। छुपा हुआ दसवां ओवर प्रगति पर अभी 60 गेंद से ऊपर इस पारी में और मात्र एक विकेट दूर असेड, दो हिट दूर वाईएमसी सिमली। कहां तक जाता है यह मैच, चले गेंदबाज विपिन और ये हल्का सा कॉटन बॉल का, सॉरी माफ कीजिए, पैड में लगी जोरदार अपील, जोश में ज्यादा लेना होगा। अब गंगा सामना करेंगे गेंदबाज, सिर्फ 12 रन चाहिए भाई जीतने के लिए, 54 गेंद शेष है और असिर अगर यह मैच अच्छी डालने के लिए मात्र दो हिट दूर। चले मुकेश धीरे कदम से अंपायर चौधरी को पार किया और गेंद को उठा के खेल दिया लॉन्ग बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। चरण कलम चुंबी छक्का, मात्र एक हिट दूर में वाईएमसी सिमली, मात्र चरण जान से फूंक दिया गंगा करण ने सिमली के स्कोर बोर्ड में इस छक्के के साथ। थोड़ा मॉइस्चर होते हुए ऐसे टीम के कृपया फिर से तैयार गेंदबाज मुकेश, सामने गंगा, लंबी लंबी हिटों का परिचय अभी उन्होंने दिया और पहली बार फाइनल जीत रही है।
अपने घर में और वो मारते एक विकेट से रोमांचक भरा यह मैच रहा। लास्ट विकेट की पार्टनरशिप हमारे स्कोरर साहब उसे मैच को संभव बनाया गंगा काला ने और उनको कंधे पे अब उनकी पूरी टीम उठाती हुई मानो असल के मुंह से यह जीत बाहर खींचे उन्होंने उनके हलक से यह जीत निकाल दी हो। लगातार कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी असल टीम हल्के में ले लिया उन्होंने गंगा दत्त काला को और गंगा दत्त काला ने दिखाया कि वो क्या है। सरपंच श्री अमर सिंह कनेरी जी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन।